सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे रोजे, एक ऐसे दरबार के दर्शन करवाएंगे जिसको भूत, जिन, परियों और फरिश्तों ने एक ही रात में बनाया था। यह रोजा है पीर बाबा हैदर शेख जी मलेरकोटले वाली सच्ची सरकार का। प्यारे दोस्तों, पीर बाबा हैदर शेख मलेरकोटले वाली सच्ची सरकार, मलेरकोटले में इनका जो असल दरबार आज भी बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जय रोजा एक ही रात में भूत, जिन, परियों और फरिश्तों ने बनाया था। बहुत ही पाक, आलीशान और रूहानी दरबार है जय पीर बाबा हैदर शेख जी का। अल्लाह के वली हैं और भूत जिनों पर इनकी हुकूमत चलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भूत, जिन, परियां हर रोज़ इनके दरबार पर सजदा सलाम करने आते हैं। पीर बाबा हैदर शेख जी के ज़माने में एक राजा हुआ है जिसका नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का जब वह जंग चल रहा था, बहलोल लोदी का तो उसको लग रहा था कि वह अपनी जंग हार जाएगा, तो वह पीर बाबा हैदर शेख जी के पास आया था और आकर दुआ की थी कि वह जंग जीत जाए तो वह उनको सलाम करेगा और उनको कुछ भेंटा करेगा। तो पीर बाबा हैदर शेख जी ने उसको कहा था कि आप जंग जीत जाएंगे। जब बहलोल लोदी जंग जीत गया तो वह फिर वापस पीर बाबा हैदर शेख जी के दरबार पर आया था और आकर उनको एक सफ़ेद रंग का घोड़ा दिया था। पीर बाबा हैदर शेख जी ने वह घोड़ा हलाल करके अपने मानने वालों को खिला दिया था। जब यह बात का पता बहलोल लोदी को चला तो वह फिर पीर बाबा हैदर शेख जी के पास आया और पास आकर अपने घोड़े को वापस मांगा। जब बहलोल लोदी ने अपना घोड़ा पीर बाबा हैदर शेख जी से मांगा तो पीर बाबा हैदर शेख जी ने कहा कि बाहर जाकर देखो और अपने घोड़े को पहचान कर ले जाओ। जब बहलोल लोदी बाहर आया तो देखा कि उसके घोड़े की तरह के बहुत से घोड़े वहाँ पर खड़े हुए हैं। जय करामा देकर बहलोल लोदी पीर बाबा हैदर शेख जी के चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। ऐसी करामा देखकर और उनकी शोहरत देखकर बहलोल लोदी ने अपनी लड़की का निकाह पीर बाबा हैदर शेख जी के साथ कर दिया। पीर बाबा हैदर शेख जी के निकाह के बाद उनके तीन लड़के हुए थे जिनकी दरगाह शरीफ भी यहीं पर बनी हुई है और उनकी बीवी और उनके सारे परिवार की दरगाह शरीफ यहीं पर ही बनी हुई है। प्यारे दोस्तों, ये जो आप दरबार की चार दीवारी देख रहे हैं, ये ही भूतों, जिनों और परियों ने एक रात में बनाई थी और इसमें कोई भी सीमेंट, रेता और किसी भी वस्तु का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। एक ही साल में कई मेले होते हैं जहाँ पर, और इस दरबार की बहुत ही महत्ता है। लुधियाना से आगे मलेरकोटला है, वहाँ पर यह दरबार आज भी मौजूद है। आप भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी जहाँ पर पूरे सच्चे तन मन से कोई भी दुआ मांगता है, पीर बाबा हैदर शेख जी उनकी हर मुराद को जरूर पूरा करते हैं। मैं अपनी लड़की की शादी थोड़ा करना चाहता हूँ। तो ये हाल ने हाँ करते लड़के अपनी लड़की की शादी करती हूँ। मेरे को रियासत सारी देख चलती हूँ। तीन बेटे आए, एक लड़की, तीन बेटे आए। अच्छा, ये बेटियाँ दी है? बेटियाँ दी, साहब जी। इधर इन्होंने साहब जी, इन्हें नहीं कर रहे। अच्छा, पहले पास पोपा
अच्छा ठीक है। आज तीन नहा तो देखो भाई एक नहा चार सेवा दाल आए थे। ओ अच्छा नाल जिधे आए थे? नाल आए थे ठीक है। वहाँ एक असल में तो जगह तो बहुत सज्जा था और जिधे चार दाल ये हाँ हाँ जी हाँ एक तो रात जिन्ना ने बनाई। ओ अच्छा एक रात भी तो बनाई थी बाई भी चक्की थी कभी तक देखे सीमेंट है चार एक मानता तो बहुत सुनी है जी इन्होंने।